नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये टीकॉन बोर्ड है, इसका नंबर है 6870C0442B। इसकी जो डीसीडीसी आईसी है SM4053, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कौन से वोल्टेज किस तरह से बनते हैं और क्या कुछ इसमें नया है। तो जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो नीचे ऐसा सब्सक्राइब लिखा होगा, वहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बाजू में एक बेल का आइकन आता है, उस पर आप ऑन कर लीजिए ताकि आपको जैसे ही मेरा नया वीडियो अपलोड होगा तो तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। तो दोस्तों देखिए, ये LVDS कनेक्टर है। हम थोड़ा एक ओवरव्यू ले लेते हैं टीकॉन कैसे काम करता है। तो ये टीकॉन कनेक्टर पे आपको देखने से ही पता चलेगा, यहाँ पर जो फ्यूज़ लगा है, यहाँ पर हमारा 12 वोल्ट जो VCC होता है वो इन होता है, मतलब इसकी सप्लाई किधर है, इधर है। जो पैनल की सप्लाई आएगी वो इस साइड में है और ये फ्यूज़ लगा हुआ है, यहाँ पर आपको 12 वोल्ट मिल जाएगा। जब यहाँ 12 वोल्ट जो हमारा मेन बोर्ड से जो VCC आता है वो इस साइड में आ जाएगा यहाँ पर LVDS के द्वारा। उसके बाद आप ये दो दो के सेट देख रहे हैं, ये सारे आपके सिग्नल्स हैं, LVDS सिग्नल्स, 0+ 0-, इस तरह से आप इनको पहचान सकते हैं। और ये सीधे कहाँ जा रहे हैं, देखिए इस IC में जा रहे हैं, ये लाइन आप देख रहे हैं, ये इस IC को जा रही है। तो इसका मतलब ये IC कौन सी हुई, टाइमिंग कंट्रोलर IC है ये, LVDS को जो सिग्नल को प्रोसेस करती है। और फिर यही सिग्नल्स इस IC से प्रोसेस होके यहाँ से आउट होते हैं, इनको बोलते हैं RSDS सिग्नल्स। और ये RSDS यहाँ से देखिए, ये FFC में होकर के पैनल के अंदर चले जाते हैं। तो ये LVDS सिग्नल को प्रोसेस करने का काम करता है टीकॉन। बस अभी इसका जो 12 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट इस IC को मिलेगा, DC-DC IC को, क्योंकि जो भी इस टीकॉन में पावर सप्लाई का काम है वो सब ये DC-DC IC करेगी। पूरे टीकॉन में जो पावर सप्लाई का काम है वो ये DC-DC IC के द्वारा होगा। तो देखिए, ये 12 वोल्ट यहाँ से और इस IC की जो पिन नंबर है, इस IC का पिन नंबर है, एक मिनट में बता देता हूँ आपको, इसका 14 नंबर पिन, 14, 15, 16, ये तीन पिनों पर इसका VCC वोल्टेज 12 वोल्ट जो इन हो रहा है वो डायरेक्ट इन तीन पिनों पर आपको मिल जाएगा। अभी हम इसको जूम करके एक बार देख लेते हैं। और मेरा सीधा सा कहना है दोस्तों, आप रटिए मत किसी सर्किट को, कोई सी भी DC-DC IC हो, आपके पास डाटा शीट नहीं है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इतना तो पता लग ही जाएगा कि ये जो 12 वोल्ट है या VCC हमारा पैनल का है वो कहाँ पर इन हो रहा है, ठीक है। वहाँ से आप सीधा सीधा कंटिन्यूटी पर रख करके ये जो DC-DC IC है इसकी पिनों पर चेक करिए, बीप कहाँ मिलता है। जहाँ पर आपको बीप मिलेगा जिन पिनों पर, वो आपका VCC पिन हो गया, जो डायरेक्ट इसको 12 वोल्ट आ रहा है। तो आप और ऐसे नहीं पता लग रहा है तो देखिए, वहाँ से जो 12 वोल्ट है वो यहाँ ये जो कैपेसिटर लगे हैं विन, ये लिखा हुआ है विन, तो विन वोल्टेज यहाँ ये कैपेसिटर्स हैं और यहाँ से ये होल के द्वारा आ रहा है, अंदर से आता है, होल के द्वारा यहाँ निकलता है। तो देखिए, ये तीनों पिन जुड़े हुए हैं आपस में, यहाँ से ये जो एरो बना है ये पिन नंबर इसका 1 होगा, 1 से लेकर 14, 56 पिन का ये पूरा IC है, 1 से लेकर 14 तक ये हो गए, दूसरा ये 14, 14, हर एक साइड में इसका पिन है। ये पिन नंबर है इसका 14, ये 15, ये 16, तीनों पिन आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये इसका VCC सप्लाई हो गया, विन वोल्टेज 12 वोल्ट। जब इस IC को 12 वोल्ट मिल जाएगा, अब चूंकि ये IC प्रोग्रामेबल IC है और इसका डाटा शीट आप देखोगे तो इसमें SCL और SDA पिन हैं,
जो कि इसका पिन नंबर 20 और 21, 20 नंबर पिन SCL और 21 SDA, गिन सकते हो आप 14 15 16 17 18 19। ये देखिए 20 और ये 21, ये दो जो आ रहे हैं होल से, ये 20 नंबर आपका हो गया SCL और ये 21 SDA, ये दो जी, ये दो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये दोनों पॉइंट SCL SDA के हो गए। तो जिस IC में आपको SCL और SDA पिन देखने को मिल जाए, सिंपल समझ जाइए कि वो IC प्रोग्रामेबल IC है। और प्रोग्रामेबल IC में आपको फीडबैक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो हम वोल्टेज बनता है उसका फीडबैक लेते हैं एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट के द्वारा, उसकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसका प्रोग्राम उसी हिसाब से किया होता है जितना हमको वोल्टेज आउट में चाहिए। तो इसलिए जिस IC में मान लो सर्किट में फीडबैक नहीं लिया या फीडबैक सर्किट आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो भी आप समझ सकते हैं कि वो IC प्रोग्रामेबल है। जब इस IC में प्रोग्राम नहीं होगा तो ये वर्क नहीं करेगी। अगर आप नई IC ला के लगाओगे, अगर उसमें भी प्रोग्राम नहीं है पहले से, तो भी वो वर्क नहीं करेगी। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है कि प्रोग्रामेबल IC को कैसे पहचाने, क्या क्या सावधानी रखें, उसको आप देख सकते हैं। देखिए जैसे इसको 12 वोल्ट मिलेगा, सिंपल सी बात है, उसके बाद हमारा 3.3 वोल्ट जनरेट होता है जो कि टीकॉन IC को जाना चाहिए। तो VCC 3.3 वोल्ट कैसे जनरेट हो रहा है, ये देखिए दो आपको कॉइल देखने को मिल रहे हैं, एक ये रहा एक ये है। तो आप इसका पिन नंबर देखिए, ये पिन नंबर 14 था, 13 इसका ग्राउंड है और 12 नंबर पिन, 12 नंबर पिन से यहाँ से ये स्विचिंग पिन है, ये एक डायोड लगा है और ये एक कोयल है, इंडक्टर है, और यहाँ से आपको ये VCC 3.3 लिखा हुआ है। तो ये इसका सर्किट हो गया, ये डायोड और ये इंडक्टर कोयल, इसके बाद आपको 3.3 मिल जाएगा, यहाँ से इसका स्विचिंग पल्स होगा। जब ये 3.3 बन जाएगा तो देखिए यहीं से इसको वापस, ये जो ट्रैक आप देख रहे हैं यहाँ से इसको वापस से इसी IC के अंदर ले लिया है, जो कि इसका पिन नंबर 11 है। 3.3 वोल्ट बना, अब ये वापस क्यों गया, ये IC के और भी अदर फंक्शंस हैं जिनको 3.3 वोल्ट की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए ये जो 3.3 वोल्ट बना है ये वापस भी इसी IC के अंदर चला गया है, ताकि और फंक्शंस जो इस IC को करने हैं उनके लिए 3.3 वोल्ट की ज़रूरत रहेगी, वो 3.3 वोल्ट इसको यहाँ से ले लिया है। और यही 3.3 वोल्ट इसको भी, जो हमारा टीकॉन IC है, इसको भी 3.3 वोल्ट सप्लाई मिल जाएगी। तो 3.3 वोल्ट बन गया, अभी उसके बाद जो अदर वोल्टेज बनने हैं, अब चूंकि इसमें कोई इनेबल पिन जैसा है नहीं, इसका जो पिन आउट है इसमें कोई इनेबल पिन नहीं है, खाली इसको प्रोग्रामेबल है, SCL और SDA जो है प्रोग्राम उसी के हिसाब से ये फंक्शन कर दिए। अभी उसके बाद हमारा मान लीजिए सिक्वेंस आ रहा है AVDD बनने का, तो AVDD कहाँ से कौन सी पिन से बनेगा, दूसरा जो आप कोयल देख रहे हैं आपको पिन नंबर नहीं पता है, आप यहाँ से गिन सकते हैं, ये 14 हो गए। अभी ये जो है कोयल देखिए किस नंबर पिन पर कनेक्ट हो रहा है, ये दो पॉइंट है यहाँ पर, ये दो पॉइंट से यहाँ से आप चेक करोगे तो ये इस कोयल पर जा रहा है, ये AVDD की कोयल है। अब AVDD इन दो पॉइंट पर जा रहा है, मतलब यहाँ से आप इनको गिन सकते हैं ये कितना नंबर पिन है, ये पिन नंबर हो गया 25 26, 14 है एक साइड में क्योंकि ये 28 होगी, ये 27 26 25, तो 25 और 26 नंबर जो पिन है ये इसका स्विचिंग पिन हो गया, और ये स्विचिंग कहाँ होगी, यहाँ पर, ये डायोड और ये इंडक्टर कोइल के बीच में। जब ये स्विचिंग होगी और इसके एक सिरे पर आपको 12 वोल्ट मिल जाएगा इस कोइल के, ये जो 12 वोल्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो हमारा VCC था वो 12 वोल्ट यहाँ पर आपको मिल रहा होगा पहले से। जब यहाँ पर स्विचिंग होगी तो यहाँ पर वोल्टेज बूस्ट होगा और वो बूस्ट वोल्टेज को रेक्टिफाई कर देगा ये डायोड D1, और यहाँ पर ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पर आपको AVDD वोल्टेज
मिलेगा जो कि लगभग 15 वोल्ट के आसपास रहता है। तो यहाँ आपको इस तरह से एवीडीडी वोल्टेज देखने को मिल जाएगा। अब मेन इसमें चीज आती है सीखने की कि एवीडीडी के बाद जो वीजीएच और वीजीएल बनता है, एच एवीडीडी भी इसका सर्किट यहाँ दिया हुआ है। देखिए ये जो पॉइंट है कैपेसिटर, यहाँ पर आपको एच एवीडीडी वोल्टेज मिल जाएगा। मेन आपका इसमें थोड़ा डिफरेंट दिया है वीजीएच और वीजीएल के सर्किट में, डिफरेंट कुछ नहीं है, उसी चीज़ को थोड़ा डाइवर्ट कर दिया है। पहले हम वीजीएच का देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो आप आईसी देख रहे हैं ये आईसी जैसा दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर एक तो ट्रांजिस्टर है और डायोड हैं, क्योंकि स्विचिंग के लिए दो डायोड की ज़रूरत पड़ती है। वीजीएच के सर्किट में हमने देखा है, ये यहाँ पर आपको वीजीएच वोल्टेज मिल रहा है इस जगह पर, लेकिन वीजीएच बन कैसे रहा है वो हमको देखना है। तो देखिए, ये इसको समझने के लिए मैं आपको एक सर्किट और दिखाता हूँ। जो ये जो आप आईसी जैसा आपको दिख रहा है कंपोनेंट, Q2 इसको नाम दिया है, ये एक्चुअल में है क्या इसको आपको समझना पड़ेगा। मैं अभी चालू करता हूँ। ये देखिए, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर विद ड्यूअल सीरीज स्विचिंग डायोड, ये कंपोनेंट है वो जो आप देख रहे थे। इसमें आपको एक तो ये ट्रांजिस्टर है और दो डायोड हैं। तो ट्रांजिस्टर कौन सा है? पीएनपी। आपने देखा होगा जो हम वीजीए एवीडीडी के बाद में वीजीए जब बनाते हैं, हमने लास्ट एक वीडियो बनाया 6861 आईसी का, उसमें एवीडीडी डायरेक्ट वीजीएच के लिए नहीं जाता, बीच में एक मॉसफेट भी होता है, वो पी चैनल मॉसफेट बोलते हैं। तो वो जब ऑन होता है उसके बाद वो वोल्टेज आगे बढ़ता है, तब जाके वो स्विचिंग होती है, ड्राइव मिलता है, पॉजिटिव ड्राइव, तब बूस्ट होता है। सेम चीज़ यहाँ पर भी वही है, यहाँ ट्रांजिस्टर का यूज किया है, ये ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर का यूज किया। और जो आपका सपोज एवीडीडी है वो मान लीजिए 3 नंबर पिन पर आपको मिल जाएगा, इन होगा, और ये 2 नंबर इसका बेस है, ये आईसी से कंट्रोल रहेगा। जब आईसी इसके बेस को इनेबल करेगी तो ये वोल्टेज जो एवीडीडी वाला था वो आपको यहाँ पिन नंबर 4 पर मिल जाएगा, और 4 पर मिलने के बाद बाहर सर्किट में 4 को 5 से जोड़ा हुआ है। अब 5 से जोड़ दिया, फिर ये डायोड के यहाँ गया, D1 में इन हुआ, ये एनोड, ये कैथोड पे आ गया। यहाँ कैथोड पर पिन नंबर 1 से कनेक्टेड है, यहाँ पर क्या होगा, एक फ्लाइंग कैपेसिटर जुड़ा होगा और पॉजिटिव चार्ज पंप जो सर्किट बोलते हैं, पॉजिटिव ड्राइव, वो यहाँ पर आएगी। पिन नंबर 1 पे जो कैपेसिटर जुड़ा होगा वहाँ पर आपको पॉजिटिव ड्राइव मिलेगी। तो यहाँ से जो वोल्टेज बूस्ट होगा वो इस डायोड के द्वारा रेक्टिफाई हो करके हमको पिन नंबर 6 पर आउट मिलेगा। तो फाइनली पिन नंबर 6 पर आपको वीजीएच वोल्टेज बूस्ट मिल जाएगा। तो इसमें क्या किया है, जो बूस्टिंग सर्किट 2 डायोड का था वो जो ट्रांजिस्टर जैसा दिखता था अदर सर्किट्स में, और एक ट्रांजिस्टर पीएनपी, दोनों को मिला करके एक साथ कर दिया है। सेम चीज़ वीजीएल के लिए किया है एनपीएन, उसमें एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज किया है, और जो डायोड लगे हैं वो विपरीत डायरेक्शन के हैं। देखिए, कैथोड से इन होगा, एनोड पे आएगा, और यहाँ से इस तरह से आपको पिन नंबर 4 पर नेगेटिव वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो इस तरह से इसका फंक्शन, ये दोनों जो आप देख रहे हैं इनका फंक्शन इस तरह से रहेगा। अभी देखिए, ये वीजीएच का है, वीजीएच वोल्टेज जनरेट करने के लिए। तो इसका ये पिन नंबर 1 है,
टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब देखिए फोर और फाइव आपस में जुड़े हुए हैं, फोर और फाइव पिन जुड़े हुए हैं आपस में, और यहाँ पर आपको पॉजिटिव ड्राइव मिलेगा, और ये सिक्स नंबर पिन पर ये आपको VGH वोल्टेज, यहाँ पर ये जीरो वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाया है, ये भी जीरो वैल्यू का रेजिस्टेंस, और यहाँ पर इस तरह से आपको VGH वोल्टेज, ये VGH के कैपेसिटर्स हैं, यहाँ पिन नंबर सिक्स पर आपको VGH आउट मिलेगा। तो इस तरह से इसका फंक्शन है, इसको आप समझ जाइए। और जो इसका पिन आउट है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैंने डाला हुआ है, आप चाहें तो वहाँ ज्वाइन करके इसका पूरा पिन आउट देख सकते हैं। और इसी तरह से ये VGL का सर्किट भी, यहाँ पर ये जो कंपोनेंट दिया है ये VGL के लिए दिया है। दूसरी चीज़, इसमें ये एक मिरर ऑप्शन होता है, कई बार हमारा जो टीकॉन में पिक्चर उल्टा होता है उसको ज़रूरत पड़ती है सीधा करने की, तो ये मिरर ऑप्शन काम आता है। यहाँ पर R22 और R23 दो पॉइंट आप देख रहे हैं, यहाँ पर जैसे मान लीजिए R22 पर एक रेजिस्टेंस लगा है, अगर आपका पिक्चर उल्टा आ रहा है तो आप R22 को निकाल करके यहाँ से और R23 पर लगा दीजिए, आपका मिरर ऑप्शन मतलब पिक्चर सीधा हो जाएगा। तो आपको चेक कर लेना है कि हमारा पिक्चर किस पोजीशन पे है, तो उसी हिसाब से आप रेजिस्टेंस को मूव कर सकते हैं ताकि आपका मिरर ऑप्शन इनेबल हो जाए। रिमोट से नहीं करना तो यहाँ से भी होता है। उसके बाद देखिए ये सारे वोल्टेज जो बनते हैं वो सारे मार्क किए हुए हैं, आप देख करके चेक कर सकते हैं इस टीकॉन में कहाँ कितने वोल्टेज हैं। और इसका मैं आपको पिन बता देता हूँ, पिन नंबर जैसे वन है, ये वापस ये जो पिन है पिन नंबर वन, वन पे क्या होता है एक रेजिस्टेंस लगा होता है और वहाँ उस रेजिस्टेंस पे 3.3 आ रहा होता है। और टू नंबर है इसकी जी क्लॉक GCL के, दो नंबर GCL के, तीन नंबर MCL के, चार नंबर है GST, पाँच EO, सिक्स नंबर पिन जो है वो ग्राउंड है, और सेवन सेवन नंबर जो पिन है वहाँ पर VGL इन होता है। हाँ, दूसरी चीज़, इस IC के अंदर ही गामा IC भी इनबिल्ट है, और स्कैन ड्राइवर बोलो या लेवल शिफ्टर बोलो वो IC भी इसी के अंदर है। तो इसीलिए जो VGH और VGL वोल्टेज बनेंगे उनको वापस से इस IC के अंदर इन करवाया जाएगा, वापस जब इन होंगे तो वो इन लेवल शिफ्टर के लिए इनपुट होगा, और गामा है इसी के अंदर इसलिए AVDD वोल्टेज जो है वो भी वापस से इन होगा इसी IC के अंदर। तो इसका जो पिन नंबर सेवन है वो इसका देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये सेवन नंबर पिन कहाँ से आ रहा है, यहाँ से VGL से। तो ये VGL इन यहाँ पर रहेगा। आठ नंबर पिन जो है वो ड्राइव है, नेगेटिव ड्राइव, और नौ नंबर है जो अभी हमने ये जो ट्रांजिस्टर देखे था इसके इनबिल्ट, उसका जो बेस है उसको इनेबल करने के लिए जो ड्राइव रहेगी, स्विचिंग रहेगी, वो नाइन नंबर रहेगी बेस की। 10 नंबर पिन पर 3.3 वोल्ट आता है एक रेजिस्टेंस के द्वारा। 11, 12, 13, 14 ये हम समझ चुके हैं, 15, 16, 17, 18 पर HVDD वोल्टेज है, 19 ग्राउंड, 20, 21 SCL SDA, ठीक है। इस तरह से जो 25, 26 है वो AVDD के लिए है। 27 नंबर पिन पर क्या होगा, AVDD जो वोल्टेज बना है वो वापस से इन होगा, ये 27 नंबर पिन जो आप देख रहे हैं AVDD वोल्टेज जो जनरेट हुआ था वो वापस से इस IC को मिलेगा, क्योंकि गामा IC के लिए AVDD की ज़रूरत होगी, तो इन होगा। और फिर फाइनली आउटपुट यहाँ 28 नंबर पिन से हमारा AVDD आउट होगा, जो कि सर्किट में अंदर पैनल में जाएगा सोर्स स्कोप पर। और इसका पिन नंबर जो 31, 32, 33 ये गामा के लिए हैं,
36 तक, 31 से 36 गामा वोल्टेज जनरेट करने के लिए है, 37 नंबर पेन ग्राउंड, 38 39 वीकॉम के लिए, और 40 नंबर जो पिन है, 40 नंबर ये वाला, ये देखिए कहाँ जा रहा है, ये 40 नंबर पिन, ये यहाँ, ये इसको जा रहा है। तो ये 40 नंबर जो पिन है वो जो ट्रांजिस्टर का बेस है उसके अंदर उसको इनेबल करने के लिए है। 40 नंबर 41 नंबर जो पिन है वो पॉजिटिव ड्राइव रहेगी जो कि इस आईसी से निकलेगा, 41 नंबर, और 42 पर जो वीजीएच वोल्टेज बना वो वापस से इन होगा 42 और 43 पर। ये देखिए यहाँ जो वीजीएच है ये कहाँ जा रहा है, ये आ रहा है 43, और ये एक यहाँ से आया 42। तो 42 और 43 दोनों पर वीजीएच वोल्टेज इन हो रहा है। तो इस तरह से, और बाकी यहाँ पर जो ड्राइव हैं, पल्स हैं, वीएसटी है, जीआईपी, वीजीएच इवन, 44 नंबर जो है ये 43 पर तो वीजीएच इन हो रहा है, 44 पर है जीआईपी, 45 वीएसटी, वीजीएच इवन है 46, वीजीएच ऑड 47, वीजीएच एफ 48, वीजीएच आर 49, और 50 नंबर पिन से जो है वहाँ से 50 से लेकर 55 तक ये हमारे क्लॉक हैं। 50 नंबर है जीसीएल के 6, जीसीएल के 5 51, जीसीएल के 4 52, जीसीएल के 3 53, जीसीएल के 2 54, जीसीएल के 1 55। तो ये 50 से लेकर 55 नंबर तक पिन तक हमारे क्लॉक सिग्नल्स हैं, सीके विजन को बोलते हैं। तो ये आपके, आप देख रहे हैं ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 हैं जो क्लॉक हैं जो इस आईसी से आउट हो रहे हैं, सीकेवी लाइन है ये। अब यहाँ कहाँ पर है ये सीकेवी लाइन, आप यहाँ से कंटिन्यूटी चेक कर लेना, यहाँ पर रख के यहाँ कंटिन्यूटी चेक करो कि कहाँ पर है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। और ये जो है 56 पिन, देखिए ये रेजिस्टेंस कुछ लगे हैं और रेजिस्टेंस के बाद ग्राउंड से कनेक्ट है। तो इस तरह से इस आईसी का फंक्शन है। और बाकी वोल्टेज चार्ट इसमें दिया हुआ ही है। दोस्तों इस तरह के वीडियो आते रहे उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप वीडियो देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।